हम किसी भी धर्म संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, उनका उनके बहुल क्षेत्र में आप इसका एनजीओ अडॉप्ट करें। गुरुग्राम के पालम विहार इलाके की करीब 2.5 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के अधिकारी अपना मालिकाना हक जता रहे हैं और साथ ही जमीन पर ईदगाह का निर्माण भी करा रहे हैं, जिसे लेकर आज इलाके के लोगों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर गुरुग्राम के डीसी को ज्ञापन सौंपा। इसी तरह की कोई निर्माण की ना हमने ये पता था कि ये किसी को अलाट कर दी गई है जमीन, इस विषय में परसों ही पता लगा। जैसे ही पता लगा गांव इकट्ठा हुआ, कॉलोनी सेक्टर सभी लोग वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने विरोध जताया इस बात का। विरोध के बाद हमने आगे डीसी साहब से बात की, उन्होंने कहा जी आप आओ और जो भी ज्ञापन आपने देना है आप मेरे से अवगत कराओ। हमने अभी सभी ने मिलकर डीसी साहब को अवगत कराया कि हमारे तो हमें परसों ही शाम को पता चला था कि यहाँ पर 2.5 एकड़ ज़मीन मस्जिद और उसके कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी गई है। हमारे गांव काटपुरी ओम बिहार है, सेक्टर 23 से है, इन्होंने सभी ने इसका ऐतराज किया है। वहीं इलाके के लोगों का कहना है कि इस जगह अस्पताल का निर्माण किया जाना था, लेकिन वक्फ बोर्ड के अधिकारी यहां ईदगाह और कब्रिस्तान बनाने पर तुले हैं। तो जैसा कि सभी साथियों ने बताया, सेक्टर 23 जो है हमारा, चोमाखेड़ा काटपुरी आसपास का ओम बिहार जितने वहाँ के हम स्थानीय निवासी हैं, वहाँ पर अस्कमात जो भूमि अस्पताल के लिए थी, जो भूमि बच्चों के खेलने के लिए पार्क के रूप में थी, उसको HSBP ने अचानक जो है वो मस्जिद के लिए दे दिया। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में रोष हुआ और जो वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा था वो हम सब लोगों ने सबके सहयोग से उस निर्माण को रुकवाया है। ओम विहार और सेक्टर 23 का पूरा प्रतिनिधिमंडल माननीय उपायुक्त महोदय जी को ज्ञापन देने आया था इसी ईदगाह के विषय में। हमें पता चला परसों रात को ही पता चला कि HSVP विभाग द्वारा हमारे गांव के साथ लगती हुई जो कि हॉस्पिटल के लिए प्रस्तावित ज़मीन थी, उस ज़मीन का आवंटन ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए कर दिया गया है, जिसका आसपास के क्षेत्र के सभी निवासियों को जब पता चला तो सभी ने एकजुट होकर आज माननीय उपायुक्त महोदय के पास पहुंचे और इसका विरोध दर्ज कराया। साथ ही इलाके के लोगों का ये भी कहना है कि उस इलाके में मुस्लिम आबादी है ही नहीं, ऐसे में यहाँ ईदगाह और कब्रिस्तान का निर्माण होना बड़ी बात है। हमें पता लगा वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, निगम पार्षद हैं, RWA हैं, उनके माध्यम से पता लगा कि वहाँ पे कब्रिस्तान का काम चल रहा है, जबकि किसी को कोई सूचना तक नहीं थी। और जहाँ पर 0% मुस्लिम आबादी है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, मंदिर बने, पार्क बने, बच्चों के लिए खेलने की जगह बने, हॉस्पिटल बने, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये कब्रिस्तान बनाओगे। फिलहाल इलाके के लोगों ने गुरुग्राम के डीसी को इसका ज्ञापन तो सौंप दिया और प्रशासन की तरफ से लोगों को आश्वासन भी मिल चुका है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस मामले पर प्रशासन कब तक कार्यवाही करता है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।